आज अपन हेयर जेल बनाएंगे जो बालों में अपन लगाते हैं बाल सेट करने के लिए। आज अब मैं जो भी इंग्रेडिएंट डालूंगा वो इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो होएगी उसका नाम, क्यों आधे लोग को समझ में नहीं आता है, बोलते तो समझ में नहीं आता है, इसलिए मेरे को लिख के डालना पड़ता है कितना कमेंट में, ऐसे मेरे को बार बार लिख बोलने में आता है करके। यह है कार्बोपोल पाउडर 940 वाला, ये देखो मेरा बस थोड़ा सूखा हुआ है, इसमें अपन पानी डालेंगे। पानी डालने में कार्बोपल पाउडर को मिक्स करेंगे उसको, उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम जाता है, कम से 6 से 7 घंटा जाता है इसमें ऑब्जर्व करने के लिए। ये देखो अभी ये पूरा ऐसे दिख रहा है, ये दिखना नीचे पूरा इसमें मेल्ट होना चाहिए, 6 से 7 घंटे में ऑटोमेटिक वो मेल्ट हो जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका सब मैं पूरा दे दूंगा कितना कितना डालना है क्या करना है। ये देखो उसको टाइम जाता इतना जल्दी वो मेल्ट होने वाला नहीं है, इसमें पानी ज़्यादा रहेगा पाउडर कम रहेगा, इसका यही मेथड है, हमेशा पानी ज़्यादा रहेगा। देखो पूरा मेल्ट हो चुका है, ये देखो अभी जो जो बारी बारी दाने दिख रहा है अपने वो गल जाएंगे। ये देखो अभी अपन इसमें कलर ऐड करेंगे, कलर हेयर जेल में कौन सा भी कलर डाल सकते हैं, लाइट कलर रखने का हमेशा। ये देखो अभी पानी जैसा ही है, इसको सही से मिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद अपन डालेंगे इंग्रेडिएंट्स, आपको स्क्रीन पे शो होएगा। ये तो धीरे धीरे ठीक होएगा, ये अच्छे से जेल से बन गया है, ये मार्केट में आप इसको सेल भी कर सकते हैं, अच्छा खासा इसमें मुनाफा है। इस पर विटामिन ए भी डालने का, इसमें क्या है ई डालने से क्या अपने को साइड इफेक्ट नहीं होता इसमें। अब इसमें अपन थोड़ा परफ्यूम ऐड करेंगे, ये देखो परफ्यूम ऐड अपन ऐड कर दिए। परफ्यूम ऐड करने का मतलब क्या है, उसका मतलब कि तो बालों में तो खुशबू जैसे रहे, ये देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, उस पर आप 2 घंटा रखोगे तो उस पर एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा पूरा, ये बहुत ठीक है, जैसे आपको गाढ़ा चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। ये देखो आपको ज़्यादा मतलब जैसा मतलब गाढ़ा दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा पानी ऐड करोगे तो नॉर्मल अपने अपनी जगह पर थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा थोड़ा और। ये देखो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।